हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10A। क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10A कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा एक्सरसाइज होगा क्वाड्रिलेटरल्स होगा। एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल्स आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस जो क्वेश्चंस है यानी कि 1 और 2 उसको किया हुआ है। आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट से जो कि क्वाड्रिलेटरल नाम से ही बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल क्लास नाइन्थ से, आप वहां से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपके पास एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC इफ एंगल A इक्वल टू 55 एंड एंगल B इक्वल टू 70, फाइंड द एंगल C एंड D। क्वेश्चन समझ में आ गई, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इन द एडजॉइंट फिगर, फिगर आपके पास है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD एक क्या है? ट्रेपेजियम है। इन विच AB पैरेलल टू DC, आपके पास AB जो है वो पैरेलल है DC, ये आपको मेंशन है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ट्रेपेजियम होता है तो उसके आमने सामने का जो साइड होता है वो पैरेलल होता है, बट यहाँ पे दिया भी है। इफ एंगल A इक्वल टू 55, एंगल A कितना है 55, एंगल B इक्वल टू 70, एंगल सी और डी आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और सॉल्यूशन में जो दिया हुआ ना उसी को लेके चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB पैरेलल DC, AB पैरेलल है DC का, ये तो आपका दिया हुआ है AB पैरेलल DC। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल A एंड एंगल D, एंगल A एंड एंगल D आर द इंटीरियर एंगल, आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन AD, ठीक है। घबराइए मत, ये क्या लिखे है फिर से एक बार आप समझाते हैं आपको। हम यही लिखे हैं कि AB पैरेलल है DC का, कहाँ से? या तो आप कह दीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज है, या ये भी बोल सकते हैं क्वेश्चंस में दिया है, जब दिया ही है तो फिर प्रॉपर्टीज से तो कोई बात ही नहीं बनती है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखे कि एंगल A और एंगल D की बात हो रही है यहाँ पे। एंगल A और एंगल D में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये आपका क्या है? इंटीरियर एंगल है। आप देख सकते हैं सेम साइड पे है, एक ही साइड पे है। अगर इसको ऐसे दिखाना चाहें तो आप देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल सेम साइड पे है, ये चीज़ यहाँ पर भी है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन AD, कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन है? AD, ये तो आपका ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है ना, आप देख लीजिए इसको कट कर रहा है तो ट्रांसवर्सल लाइन तो है ही। उसके बाद देखिए, जब AD पे ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 180 होगा। लाइंस एंड एंगल्स आप एक्सरसाइज कर चुके होंगे, नहीं किए हुए तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप एक बार लाइंस एंड एंगल्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा चीज़ लाइंस एंड एंगल्स से भी यूज़ होने वाला है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है सेम साइड पे है तो 180 के इक्वल होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। अब एंगल A आपको देखिए गिवन है, एंगल A गिवन है 55 प्लस एंगल D इक्वल टू 180, ये तो आपको गिवन है। फिर इसके बाद देखिए कि एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 55 हो जाएगा, क्यों होगा? तो 55 प्लस में इधर जाए तो माइनस में होगा। अब एंगल D इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? एंगल D इक्वल टू 180 में से 55 माइनस करेंगे, 180 में से 55 घटाइएगा तो 125 होगा, घटाओ तो आता होगा ना, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125 एंगल D का वैल्यू आपके पास आ गया, ये आ गया 125।
अब हमें तो एंगल सी और डी दोनों निकालना था, बट हमने एक काम कर लिया, क्या डी निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर लिख सकते हैं क्या, एल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 इक्वल टू 360, सॉरी यहां पे 360 होगा, 180 नहीं, ठीक है 360 ये हो गया। अब एंगल ए आपको पता है, एंगल ए आपको पता है 55, एंगल बी भी आपको पता है 70, और एंगल सी जो है पता नहीं है, एंगल सी ही तो अभी निकालना है, तो एंगल सी को अभी सी रहने दीजिए, और डी अभी हम फाइंड किए 125 इक्वल टू 360 इक्वल टू 360 ये हो गया। अब देखिए इनको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 5 10, ठीक है, फिर 2 और 7 9 और 5 15, 9 और 5 14 और 1 था ना तो 15 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 250 प्लस एंगल सी इक्वल टू 360, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 250, यानी कि एंगल सी इक्वल टू आपके पास आ गया कितना 110, एंगल सी आ गया और एंगल डी यहां पे आ गया, यानी एक आंसर आपका ये हो गया और एक एंगल आपका ये हो गया। दो एंगल आपसे पूछा जा रहा था कि आपको बताना था कि एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल डी का वैल्यू आ गया 125 और एंगल सी का 110। अब एक बार इसको फिर से समझाते हैं, फिर समझाने के बाद आपको एक प्लस पॉइंट भी देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप बने रहिएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन द एडज्वाइंट फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, इफ एंगल ए इक्वल टू 55 एंड एंगल बी इक्वल टू 70, फाइंड द एंगल सी एंड एंगल डी। आपको एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू बताना था। सबसे पहले हम किए क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख ली है ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी का, एंगल ए एंड एंगल डी आर द इंटीरियर एंगल, एंगल ए एंड एंगल डी आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन ए डी। एंगल ए और एंगल डी आपका क्या है, इंटीरियर एंगल है, सेम साइड है, कौन सा, ट्रांसवर्सल लाइन ए डी पर, ठीक है। ये तो बात हो गई लैंग्वेज की इतना तक। उसके बाद देखिए, जब आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड है ए डी पर, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 तो होगा, ये तो लाइन साइन एंगल्स की बात है, उसमें हमने आपको बताया हुआ है। एंगल ए कितना है 55, एंगल डी पता नहीं है इक्वल टू 180, तो एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 55, 180 में से 55 माइनस कीजिएगा, एंगल डी इक्वल टू 25। एंगल डी का जब आपके पास वैल्यू आ गया तो अब आपको सी निकालना है, डी निकल गया 125, तो यहाँ पे किए क्या है, एल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए कितना है 55, यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। एंगल बी कितना है 70, यहाँ से भी और क्वेश्चन से भी, दोनों तो बात सेम ही है। एंगल सी हम यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं कि एंगल सी आपके पास नहीं है, तो एंगल सी को एंगल सी रखती है। एंगल डी 125 कहाँ से, तो अभी निकाले हैं। अब यहाँ पे देखिए 55, 70 और 125 को आप जोड़िएगा तो 250 प्लस एंगल सी इक्वल टू 360। 250 जो है प्लस में है, उस साइड भेजिएगा तो माइनस में, यानी एंगल सी इक्वल टू 360 माइनस 250, एंगल सी का वैल्यू जो है 110 आ गया। अब यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप चाहें तो ये इतनी बात को कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो इसके जगह पे ये भी कर सकते हैं कि जो ये लैंग्वेज है एक बार फिर से आपको लिखना पड़ेगा, जो ये लैंग्वेज है एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। वहां पे कैसे लिखिएगा, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, एंगल ए के जगह पे बी लिखिएगा और एंगल डी के जगह पे सी लिखिएगा। बात समझ रहे हैं, यहां पे ए डी लिए थे ना, तो अब लीजिएगा बी सी, यानी एंगल बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यहां पे ए डी नहीं, कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन, सी डी, सी बी, सी बी पर, तो सी बी पर जब ट्रांसवर्सल लाइन आएगा तो यहां पे क्या लिखेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल बी आपको गिवेन है 70,
प्लस एंगल सी को जैसा है तैसा छोड़ दीजिएगा, यानी 70 यहाँ पे आया है ना, 70 तो इधर जाए तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस ये कितना था 70, यानी 180 में से 70 माइनस कीजिएगा तो 110, आंसर सेम आएगा, आप देख सकते हैं आंसर सेम आएगा। तो आप चाहें तो ट्रांसवर्सल कह के भी एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, यही आपके लिए प्लस पॉइंट था। आपको जो आसान लगे, ये आसान लगे इसको बनाइए, आपको इतना बात स्किप करना है तो फिर से ये लैंग्वेज लिख के ए और डी के जगह पे बी और सी लगा दीजिए, ए डी लाइन के जगह पे बी सी लगा दीजिए और यहाँ पे एंगल क्या चेंज कीजिएगा, एंगल बी एंगल सी चेंज करके फिर बना दीजिए, सेम आंसर आएगा, वो भी आपका सही होगा, ये भी आपका सही होगा। आपकी दोनों मर्जी करें, आप दोनों लिख दीजिए, एग्जामिनेशन टाइम जब रिविज़न करेंगे तो आपके दिमाग में दोनों रहेगा, एग्जामिनेशन में जब बैठिए तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।